हेलो लिमिटलेस फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग चौक आ गए हैं। आज ना हम लोग लखनऊ की मोस्ट फेमस डिश जिसको मलाई मक्खन बोलते हैं, तो ये सिर्फ ठंडियों के टाइम में होती है, गर्मियों के टाइम में आपको नहीं मिलेगा ये। तो हम लोग अभी सबसे पहले चौक आ गए हैं। हम लोग चार जगह जाने वाले हैं, सबसे पहले चौक, उसके बाद हम लोग मोती महल जाएंगे, फिर उसके बाद 1090, और उस 1090 में देर इज चटोरी गली। तो ना स्ट्रीट फूड का काफ़ी लंबा सा स्ट्रीट है, तो वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। और लास्ट में हम लोग लुलू मॉल जाएंगे, तो लुलू मॉल का जो हाइपर मार्केट है ना, वहाँ पर मलाई मक्खन मिलता है। तो हम लोग चार जगह टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कहाँ का टेस्ट सबसे अच्छा होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम लोग ना सबसे पहले ये अवध कश्मीरी चाय मिलती है यहाँ पे, तो ये पिंक कलर की चाय होती है। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, मेरे भाई को पीनी थी, तो है ना पिंक कलर की होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये वाला स्टॉल है, दिस इज़ द स्टॉल। और ना काफ़ी भीड़ है इनके पास, तो मेरे को तो पता नहीं टेस्ट कैसा होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो इनकी चाय है ना, वो भी पिंकिश कलर की है, तो ऐसी चाय है कुछ, दिस काइंड ऑफ चाय। इसका ना टेस्ट मेरा भाई बता रहा है कि नॉर्मल चाय से अलग होता है, सब नॉर्मल पीते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट है इसका। हम लोग ना मलाई मक्खन वाली प्लेस पे पहुंच गए, तो यहाँ पे ना पूरा मला बहुत सारे मलाई मक्खन के स्टॉल्स हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगे। जैसे कि अमीनाबाद वाले मार्केट में होता है ना कि आपको बुलाते हैं शॉप में, तो वहाँ पे वैसा ही ट्रीट करेंगे लोग। तो आप जैसे जाओगे ना, तो दे विल कॉल यू कि हाँ आ जाओ हमारे यहाँ से ले लो। सो वहाँ पे है सारे स्टॉल्स, चलते हैं हम लोग, आपको दिखाते। तो ना हमने यहाँ से मलाई मक्खन ले लिया, तो ऐसा है ये कुछ ना, इन लोगों ने यहाँ पे ना पूरा बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो ये पूरा तो ना ये ऐसी बना के रखते हैं। तो ये वाली डिश से आपको ठंडी में मिलेगी, तो इसको टेस्ट करते हैं यहाँ की कैसी है। इसको ना टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। यार इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो आपने ना ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप चौक आते हैं। इधर भी ना बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, तो यहाँ से पूरा लेके पूरा इधर तक है, तो काफ़ी ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, मतलब डिफरेंट तरह के। वैसे ना टेस्ट आई थिंक सिमिलर ही होता है सबका, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, पर मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, मैंने एक से ट्राई किया। तो ना भैया बता रहे थे कि अगर आप चौक आए तो मलाई मक्खन ज़रूर खाओ, वरना बेकार हो जाएगा चौक आना। तो ना अभी हम लोग अपनी सेकेंड लोकेशन चलते हैं, मोती महल चलते हैं, वहाँ पर मलाई मक्खन मिलता है, वहाँ पर ट्राई करते हैं वहाँ पर कैसा है। हम लोग हज़रतगंज पहुंच चुके हैं, तो हम लोग अभी मोती महल जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे कि वहाँ का मलाई मक्खन कैसा है। तो ना ये सामने मोती महल है, तो ना ये काफ़ी अच्छी स्वीट शॉप है, तो यहाँ पे ना लगभग जितनी भी आप स्वीट इमेजिन कर सकते हो सब कुछ मिलता है। अभी ना ठंडियों में लखनऊ में ना ये जो मलाई मक्खन है ना, ये बहुत ज़्यादा बिकता है। तो जैसे कि गर्मियों में ना यहाँ पे मोती महल में वो जो कुल्हड़ वाली वो आती है, जो कुल्फी होती है, वो काफ़ी फेमस है, और ठंडियों में ना ये काफ़ी फेमस है, तो दो चीज़ें बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। तो ना मैंने यहाँ पे मलाई मक्खन ले लिया, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे टोकन देते हैं, तो टोकन से आप ले सकते हो। तो मैं ना जैसे ना चौक में ना उन लोगों ने वो रबड़ी डाल के दिया था, यहाँ पे ही ऐसे गार्निशिंग करके देते हैं, तो ये वाला टेस्ट करते हैं कैसा है। लगभग ना सिमिलर टेस्ट है, तो ना मैंने यहाँ के ना हर जगह के लगभग टेस्ट कर रखा है, तो मेरे को कुछ वैसा न्यू जैसा नहीं लग रहा, पर आप अगर पहली पहली बार खाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। हमने ना यहाँ पे बस मलाई मक्खन ट्राई किया था, पर ना इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। इनके पास स्वीट्स है, स्नैक्स है, जैसे कि
गोलगप्पे वगैरह हैं और स्वीट्स हैं और ना मल्टीपल कुजीन्स भी है वेज में, तो उसके ना ऊपर है और नीचे भी है, और जैसे स्वीट होती है स्वीट शॉप भी है, स्वीट्स ना अंदर है, जितनी भी सारी स्वीट्स होती है सब कुछ है इनके पास, तो ना काफ़ी अच्छी शॉप है ये, तो अगर आप ना इन सब चीज़ों के खाने के लवर हो तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ना एक और शॉप है यहाँ पे, यहाँ रॉयल कैफ़े करके, वो यहाँ से ना सीधा है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे मल्टीपल कुजीन्स है, तो उनका ना बास्केट चाट वगैरह बहुत फेमस है, और वहाँ पे एक अंकल है, उनका नाम तो मेरे को नहीं पता पर उनका उनको चाट किंग बोलते हैं, तो वो काफ़ी फेमस है, तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं वहाँ पे, तो अगर आप आपको ये सब अच्छा लगता है आप ट्राई कर सकते हो वहाँ पे। हम लोग ना वहाँ पे हम लोग ने फिनिश कर लिया है, तो अभी हम लोग ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ना रात को जब ना ये सारी लैंप्स जल जाती है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है हज़रतगंज, अभी भी वैसे बहुत ब्यूटीफुल है, तो शॉपिंग करने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पे सारी लगभग सब सारी ब्रांड्स है लगभग, तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, तो अगर आपको मॉल वगैरह में शॉपिंग करना पसंद है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल मार्केट भी है, तो जैसे ब्रांडेड मार्केट है, तो ये सारी शॉप्स हो गई, और एक आगे ना वहाँ पे आई थिंक हेज़लनट फैक्ट्री के पास प्रिंस मार्केट करके, तो नॉर्मल मार्केट भी है यहाँ पे, सब कुछ है। तो अभी ना हम लोग रॉयल कैफ़े जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ रॉयल कैफ़े जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है पूरा रॉयल कैफ़े, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पूरा, मतलब यहाँ ये भी ना काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन ट्राई व्हाटएवर यू वांट, तो इनका ना बास्केट चाट बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे एक अंकल भी रहते हैं, अभी तो है नहीं, तो अगर होते तो मैं आपको मिलवाता उनसे, पर ना अगर आप ये यहाँ पे भी आपको ट्राई करना आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी शॉप है। मोती महल के बाद हम लोग चटोरी गली आ गए हैं, अगर आपको चटोरी गली पता नहीं है तो ये एक ऐसी स्ट्रीट है लखनऊ में 1090 चौराहे के पास, तो ना पूरा लंबी सी स्ट्रीट है, पूरा यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, तो अगर आप लखनऊ में रहते हो तो आपको पता ही होगा बेसिकली, और अगर आप नहीं रहते तो ऐसे ये ना पूरी स्ट्रीट है, और ये ना पूरा पूरा स्ट्रीट फूड है, और आप ना जो भी इमेजिन कर सकते हो स्ट्रीट फूड में सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग ढूंढते हैं, हमको मलाई मक्खन खाना है, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है, तो दिस इज़ द स्टॉल, तो ना यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कैसा है। तो ना हम लोगों ने जैसे मोती महल में खाया था ना, मोती महल में उन लोगों ने वो ड्राई फ्रूट गार्निश करके दिया था, तो इन लोगों ने जैसा ये हमको चौक मिला था ना, वो जो रबड़ी बोलते आई थिंक इसको, तो वही डाल के दिया, इसको टेस्ट करते हैं वाला कैसा। मेरे को ना मैंने इतना ट्राई कर लिया ना, मेरे को सारे टेस्ट सब सिमिलर ही लग रहे हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा मलाई मक्खन खा रहे थे, मेरे को ना पूरा मुंह थोड़ा स्वीटिश काइंड ऑफ हो गया, तो ना मैंने गोलगप्पे खाए थे थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए, तो ना मेरे को ये वाला दिख गया था, ये भेलपूरी का स्टॉल है, तो यहाँ से हमने एक भेलपूरी ले लिया, तो वो खा लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने ना एक भेलपूरी ले ली थी, तो ये मैंने लिया, तो दिस इज़ वेरी नाइस, तो मैं पूरा मीठा मीठा हो गया था मुँह, तो अभी ना थोड़ा सा ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने तीखी वाली बनवाई थी, इनके पास ना तीन चार ऑप्शन है, ये खट्टा मीठा तीखा और चटपटा, तो हमने तीखा वाला बनवाया था क्योंकि मीठा बहुत खा लिया था, तो ये खाते हैं, उसके बाद दुलू मॉल निकलते हैं, दुलू मॉल में आई थिंक मैं नहीं खा पाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे भी, आप अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो मलाई मक्खन। हम लोग ना दुलू मॉल आ चुके हैं, तो यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, ये फूड फिएस्टा 23 करके, तो ना इसमें आई थिंक वेज नॉन वेज सेक्शन का कुछ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। हाँ, तो यहाँ पर ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, और इनके पास एक ही वेज सेक्शन है और एक ही नॉन वेज सेक्शन है। अभी ना हम लोग हाइपर मार्केट जा रहे हैं, तो हाइपर मार्केट में ना आप जाके जो मलाई मक्खन है वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ पे भी एक सेक्शन है, वहाँ पे भी वो मिलता है, तो जैसे कि ना ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला एक ओपन स्पेस है पूरा, तो यहाँ पे ये हाइपर मार्केट का कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जैसे कि अभी ये बैग का लगा हुआ है, कुछ टाइम बाद ये चेंज करते रहते हैं, तो ऐसा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स होती रहती है यहाँ पे। अभी ना क्रिसमस होने वाला है ना कुछ टाइम में, तो यहाँ पे ये क्रिसमस का भी पूरा सेक्शन लगा रखा है इन लोगों ने, तो यहाँ पे आप कैप वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, तो बहुत कुछ है इनके पास, जैसे क्रिसमस में ये टॉयज वगैरह होते हैं और कैप्स एंड ऑल, ये बेल्स वगैरह, तो बहुत कुछ है इनके पास लगभग। इनका जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है जहाँ पे ये वॉफल वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जूसेस है,
तो ये ऐसे आइस में रखा हुआ है और कुछ ना मिल्क शेक के ऑप्शन है जो वहाँ पे हैं। तो ये जैसे ना इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का रखते हैं वो लोग, जैसे कि नीचे इनका आइस है ना तो वो भी आइस ही रखते हैं, तो इसीलिए वो इसको चिल करके रखना पड़ता है तभी ये ठीक रहता है। तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। अभी तो मैं ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ खा लिया है तो काफ़ी ना स्वीट स्वीट हो गया था, तो अब मैं मीठा नहीं खा पाऊँगा बिल्कुल भी। तो ना मैंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा लिया, तो ना यहाँ पे इनका ही सैलेड का काउंटर है, तो यहाँ पे ना खुद से सैलेड मिक्स करके खा सकते हो। तो जो 250 ग्राम है ना वो 55 रुपीज़ में मिलता है, तो आप खुद से वहाँ से ऐसे ले सकते हो और खुद से अपने मिक्स कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये वाला। हमने ना सैलेड पैक करा लिया है तो बस ना गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना गार्निशिंग के लिए भी है, मेयोनीज है और ये वाली एक कॉकटेल सॉस है इनके पास, और ना दो ये ऑप्शन भी है, ये आई थिंक पेपर है और ये वाला नॉर्मल सॉल्ट है। हम लोग ना इसके बाद फ्रूट ले रहे हैं, तो फ्रूट का भी सेक्शन है यहाँ पे पूरा। तो फ्रूट का 80 रुपीज़ का 250 ग्राम है, तो फ्रूट भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ड्रैगन फ्रूट है, ग्वावा है, वाटरमेलन है, और ना इनके पास एप्पल है जो सिरप में होते हैं, और ये ऑरेंज है। तो ये आप पूरा मिक्स करके ले सकते हो, तो वेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो ना हमने एक ये फ्रूट ले लिया और एक सैलेड ले लिया, इसकी बिल करा लेते हैं। तो ना हम लोग बस इसको ना हाइपरमार्केट में खा नहीं सकते, तो हमको सेकंड फ्लोर पर जाना पड़ेगा फूड कोर्ट में, वहाँ पे आराम से बैठ के खाएंगे। सो इफ़ यू विश, जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं उनके पास ये इतनी सारी चॉकलेट क्यों लगा के रखते हैं ये लोग, पर ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। अगर ऐसे बच्चे यहाँ से पास करते हैं तो इज्जत करते हैं अपने पेरेंट्स से कि हाँ मेरे को चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, तो वो मजबूरन फिर उनको दिलवाना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये। तो अभी हम लोग फूड कोर्ट आ गए हैं, क्योंकि ना हाइपरमार्केट में जो खाना होता है वो अलाउड नहीं होता, इसीलिए आपको ना वहाँ से पैक करा के फूड कोर्ट आना पड़ता है। तो वहाँ से ना हम लोग फूड कोर्ट आ गए, तो यहाँ पे हम लोग सैलेड एंजॉय करते हैं। तो आज ना हम लोग पूरा लगभग लखनऊ घूम लिया, तो बहुत जगह गए। पहले हम लोग चौक गए थे, उसके बाद हज़रतगंज, दैन चटोरी गली, उसके बाद हम एट लास्ट लूलू मॉल आ गए। तो ना हम लोगों ने तीन जगह ट्राई किया, एक चौक में और मोती महल में और चटोरी गली में। यहाँ पे ना मेरा ट्राई करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरा मुँह ना काफ़ी स्वेटिश हो गया था, तो इसलिए मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया था, इसलिए एक सैलेड ले लिया। तो अभी मैं सैलेड एंजॉय करता हूँ, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।